हज से लौटे एक मशहूर सिंगर से मौलवियों ने कहा, अब आप गाना ना गाएं। मौलवियों की बात मानकर उन्होंने गाना छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद उनके फैंस उदास होने लगे। फिल्म मेकर्स उस सिंगर के पास गए, कहा कि आप गाना फिर से गाना शुरू करें। उस सिंगर ने गायकी को इबादत मानते हुए दोबारा से गाना शुरू कर दिया, चाहे वो पहले प्यार का अल्हड़पन हो या फिर दिल टूटने का दर्द, रूठे प्यार को मनाना हो या फिर उसकी तारीफ करनी हो। इन्होंने अपनी आवाज़ से इश्क के हर तरह के रूप में रंग भरे। दुख, सुख, आस्था, देशभक्ति, हर तरह के एहसास को अपने सुरों से उकेरा। कभी भी ये नहीं पूछते कि गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा, सिर्फ एक रुपए में कई सारे गाने गा दिए। आज कहानी सदी के ग्रेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी की, जो बेहद शर्मीले और धार्मिक थे, ना किसी से ज़्यादा बातचीत और ना ही किसी से लेना देना, सिर्फ एक छोटी सी दुनिया थी, म्यूज़िक और इनकी फैमिली। नमस्ते, मैं अंशुल हूँ, आप हैं मंच पर। 24 दिसंबर साल 1924 को मोहम्मद रफ़ी का जन्म पंजाब में हुआ। घर में गाना गाने की मनाही थी। 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर रफ़ी, जिन्हें सब प्यार से फीको कहते। रफ़ी ने फ़कीरों को गाते सुना तो खुद गाना शुरू कर दिया। पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं थी। पिता हाजी अली मोहम्मद, जो दाढ़ी और बाल काटने का काम करते थे, उन्होंने कहा, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तो बड़े भाई से बाल काटने का हुनर सीखो। लेकिन रफ़ी दुकान में भी अक्सर गुनगुनाया करते। ये देखकर बड़े भाई रफ़ी को उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास ले गए, गाना सीखने के लिए कहा। अब तक रफ़ी का पूरा परिवार लाहौर में शिफ्ट हो चुका था। रफ़ी ने 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली परफॉर्मेंस दी और यहीं से इनकी किस्मत बदल गई। दरअसल यहाँ पहले अपने दौर के दिग्गज सिंगर KL सहगल गाना गाने वाले थे। इसी दौरान बिजली चली गई। इस बात से नाराज सहगल ने गाना गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी से परफॉर्म करने को कहा। उनका गाना KL सहगल और म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने सुना तो तारीफ करते नहीं थके। उन्होंने रफ़ी को पंजाबी फिल्म गल बलोच का गाना परदेसी सोनिए ओ हीरे गाने का मौका दिया। ये गाना सुपरहिट हुआ। ये रफ़ी का जादू ही था कि जब उनकी आवाज़ मुंबई में बैठे एक्टर और प्रोड्यूसर नाजिर अहमद खान के कानों पर पड़ी, उन्होंने रफ़ी के लिए एक तार भेजा जिसमें 100 रुपये और मुंबई का टिकट था। रफ़ी का पहला गाना साल 1945 की फिल्म गाँव की गोरी का अजी दिल को काबू में रिकॉर्ड हुआ। इसी वक्त रफ़ी ने फिल्म पहले आप का भी एक गाना रिकॉर्ड किया, जो एक साल पहले साल 1944 में रिलीज़ हो गई। गाने के बोल थे हिंदुस्तान के हम हैं। इसके बाद रफ़ी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। 47 के बंटवारे के बाद रफ़ी ने अपने पूरे परिवार को लाहौर से मुंबई बुला लिया। रफ़ी की बहू यास्मिन खालिद अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा एक संस्मरण में लिखती हैं कि अब्बा की पहली शादी 13 साल की उम्र में अपने चाचा की बेटी बशीरन बेगम से हुई, लेकिन जल्द ही तलाक हो गया। इस शादी से उनका बेटा सईद हुआ। इस शादी के बारे में घर के बाहरी लोगों से छिपा कर रखा गया। वो आगे लिखती हैं कि साल 1944 में 20 साल की उम्र में अब्बा की दूसरी शादी बिल्किस बानो से हुई, जिनसे उनके 3 बेटे खालिद, हामिद, शाहिद और 3 बेटियाँ परवीन, नसरीन और यास्मिन हुई। साल 1948 में जब महात्मा गांधी का निधन हुआ तो रातों रात रफ़ी की आवाज़ में सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापूजी की अमर कहानी गाना रिकॉर्ड किया गया, जिसे सुनकर जवाहरलाल नेहरू अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने रफ़ी को अपने घर मिलने बुलाया और बाद में 15 अगस्त को सिल्वर मेडल से नवाजा। रफ़ी की बहू यास्मिन खालिद अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा एक संस्मरण में लिखती हैं, अब्बा बहुत कम बोलने वाले, ज़रूरत से ज़्यादा विनम, वो ना शराब पीते ना ही सिगरेट, पान भी नहीं खाते, पार्टियों में भी नहीं जाते, उन्हें खाना खाने का शौक था। रिकॉर्डिंग करने के बाद वो पतंग उड़ाया करते। उन्हें स्टाइलिश घड़ियां और फैंसी कारें पसंद थी। रफ़ी ने 20 भाषाओं में करीब 26,000 गाने गाए, 6 बार फिल्म फेयर और 1 बार नेशनल अवार्ड जीता। रफ़ी ने भजन, कव्वाली, लोकगीत, क्लासिकल म्यूज़िक हो या फिर गज़ल, गाने को हर तरह के रूप को अपनी आवाज़ दी। रफ़ी अपने दौर के हर स्टार्स की आवाज़ बनते। और तो और सिंगर किशोर कुमार के लिए भी 10 से ज़्यादा गाने गाए। रफ़ी को ऑटोग्राफ साइन करना नहीं आता था। जैसे जैसे वो पॉपुलर होते गए, उन्होंने ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस की। एक इंटरव्यू में उनके बेटे शाहिद रफ़ी ने बताया था
कि अब्बा ने दस्तखत की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे कागज बर्बाद कर दिए। लेकिन जब वो उसमें पारंगत हो गए तो एक पत्रकार ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अब्बा के ही दस्तखत सबसे सुंदर है। रमजान का महीना था, 31 जुलाई साल 1980 की रात रफ़ी को हार्ट अटैक आया। सिर्फ 56 साल की उम्र में ये महान गायक दुनिया छोड़ चुका था। अगली सुबह मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, फिर भी रफ़ी को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग सड़कों पर थे, मानो कुदरत भी आंसू बहा रहा। साल 1967 में पद्मश्री से सम्मानित मोहम्मद रफ़ी अपनी आवाज़ के जरिए हमारे आसपास हमेशा रहेंगे। अपने निधन से दो दिन पहले साल 1981 की फिल्म आसपास के लिए रफ़ी ने आखिरी गीत रिकॉर्ड किया, जिसके बोल थे, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आसपास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।